लेट अस स्टार्ट अ सेशन। आज के सेशन में हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्जाम से पूछा जाता है, एंड कई बार तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से ही हमारी रैंक में इंप्रूवमेंट आती है। तो आज के करंट अफेयर्स के सेशन का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। पहले कुछ स्लाइड्स पे हम लास्ट 6 मंथ के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड गवर्नमेंट स्कीम्स को स्लाइड बाय स्लाइड कवर करेंगे, एंड देन एक साथ इन सब टॉपिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो दैट आप लोगों की डबल रिवीजन हो जाए। सो लेट अस स्टडी टुगेदर। फर्स्ट आर द इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स ऑफ लास्ट 6 मंथ्स, जैसे कि गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2021 जो दिया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एंड इस साल ये मिला है गीता प्रेस गोरखपुर जो कि है यूपी में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही ये इवेंट अटेंड किया था, तो इस अवार्ड को हमें ध्यान में रखना है, गांधी पीस प्राइज फॉर ईयर 2021। देन वी हैव डच स्पिनोजा प्राइज फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च जो मिला है जोईता गुप्ता को। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम 2023 ये मिला है लियंडर पेस को एंड विजय अमृतराज को फॉर टेनिस, टेनिस के लिए ये अवार्ड मिला है। फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है और ये मिला है रतन टाटा को। 72nd मिस यूनिवर्स 2023 ये इवेंट हुआ था एल सेल्वाडोर जो कि एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, और ये मिला है निकरागुआस शाइनिस पैलेसोई को। इनकी पिक्चर है निकरागुआस शाइनिस पैलेसोई। आईसीसी हॉल ऑफ फेम फॉर द ईयर 2023 ये मिला है 3 लोगों को, वीरेंद्र सहवाग, डियाना एडुलजी ये भी इंडिया से ही है, एंड अरविंद सिल्वा जो कि है श्रीलंकन प्लेयर। देन वी हैव 33rd व्यास सम्मान जो मिला दिया जाता है बाय के के बिरला फाउंडेशन 1991 में यह अवार्ड स्टार्ट हुआ था और ये मिला है पुष्प भारती को फॉर यादें यादें और यादें इन हिंदी, तो ये हिंदी लैंग्वेज में अवार्ड मिलता है व्यास सम्मान, ये भी ध्यान रखना है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान माइकल डगलस को जो कि है यूएसए के एक्टर डायरेक्टर, अमेरिकन एक्टर है ये माइकल डगलस, इनको मिला था सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देन 95th अकेडमी अवार्ड जिनको शॉर्ट में ऑस्कर भी बोला जाता है, ये कहाँ इवेंट हुआ था लॉस एंजलिस में, इंडिया के 3 नॉमिनेशंस थी इसमें जिसको हम क्वेश्चन के थ्रू डिटेल में सॉल्व करेंगे। उसके बाद नोबेल प्राइजेस मिला है, नोबेल पीस प्राइज मिला है नरगिस मोहम्मदी को, पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड ये मिला है इंडियन बॉर्न ऑथर सलमान रश्दी को, नॉर्मन ई बॉरलॉग अवार्ड जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर थे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये मिला है स्वाति नायक को जिनको बिहाना दीदी और सीड लेडी भी कहा जाता है। तो इन सारे अवार्ड्स को हमें अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हम लास्ट 6 मंथ के स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात करें तो इंडिया ने अपना 8th टाइटल जीता मेंस एशिया कप 2023 जो कि श्रीलंका और पाकिस्तान में इसके मैचेस हुए थे, तो इंडिया ने अपना 8th टाइटल जीता इसमें। उसके बाद आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जो कि 2nd एडिशन था और ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा के, इंग्लैंड में हुआ था 2nd एडिशन आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, ऑस्ट्रेलिया ने जीता इंडिया को हरा के इंग्लैंड में। देन आईसीसी वर्ल्ड कप रिसेंटली हुआ 2023 का, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ही फाइनल में थे दोनों और सैडली हम हार गए इसमें बाय 6 विकेट्स, और ऑस्ट्रेलिया का ये 6th टाइटल था, तो ये भी ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया का ये 6th टाइटल था और इंडिया ने 2 बार जीता हुआ है, एक तो 1983 में एंड एक 2011 में, और ये इंडिया में हुआ था और इसके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे विराट कोहली और मैन ऑफ द मैच थे ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड। उसके बाद रिसेंटली ये डिसाइड हुआ है कि जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होगा 2024 का वो कौन होस्ट करेगा, वो होस्ट करेगा वेस्ट इंडीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स, तो इसके होस्ट का भी ध्यान रखना है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024। उसके बाद रिसेंटली 10 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर तक फर्स्ट
खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुई दिल्ली में, फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स दिल्ली में, अनुराग ठाकुर जी ने इसे इनोग्रेट किया था, और इसका मैस्कोट का नाम था उज्ज्वला और स्पैरो। तो इस चीज का ध्यान रखना है। आजकल के एग्जाम ट्रेंड्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि मैस्कोट इस इवेंट का कौन सा है, तो हमें ध्यान रखना है। उसके बाद 16th सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-24 ये जीती है पंजाब ने, पंजाब का ये फर्स्ट टाइटल था, 16th सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पंजाब का फर्स्ट टाइटल। उसके बाद फाइड वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप जो कि जीती है रौनक सिद्धवानी ने, रौनक सिद्धवानी जो कि इंडिया से है, और ये चैंपियनशिप हुई थी इटली में, ये जूनियर चैंपियनशिप है जूनियर, तो इस चीज का ध्यान रखना है, इटली में हुई थी। उसके बाद डेविस कप 2023 जो कि मेंस टेनिस टूर्नामेंट है ये हुआ था, ये जीता है इटली ने, इटली ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा के, इसको भी हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, इटली ने जीता है इसको मेंस टेनिस टूर्नामेंट को। और उसके बाद रिसेंटली ये डिसाइड हुआ है कि आईसीसी मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा साउथ अफ्रीका में, पहले ये डिसाइडेड था कि श्रीलंका में होगा, बट इसका वेन्यू चेंज हो चुका है, ये होगा साउथ अफ्रीका में 2024 आईसीसी मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। सो लास्ट 6 मंथ साइंस एंड टेक के परस्पेक्टिव के इंडिया के लिए बहुत ही अच्छे रहे, हम जल्दी ही वर्ल्ड का सेकंड पोलैरिमेट्री मिशन लॉन्च करने वाले हैं, एक्सपोसैट, एक्सपोसैट जो कि है इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड पोलैरिमेट्री मिशन, इससे पहले सिर्फ नासा का ही मिशन है दैट इज IXPE जो कि ब्लैक होल सुपरनोवा इन सब चीजों को सर्च करता है, तो इसका ध्यान रखना है, हम बहुत ही जल्दी जनवरी में लॉन्च करने वाले हैं एक्सपोसैट मिशन ऑफ इसरो, ये इसरो का मिशन है, इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड पोलैरिमेट्री मिशन जो कि ब्लैक होल्स न्यूट्रॉन स्टार्स इन सब की रिसर्च करेगा सुपरनोवास। उसके बाद आदित्य L1 ये इंडिया का फर्स्ट स्पेस पे मिशन है टू स्टडी द सन, अक्टूबर में लॉन्च हुआ था और ये January 6 को अर्थ सन के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा January 6 को, आदित्य L1 मिशन। उसके बाद गगनयान मिशन हम इसी साल लॉन्च करेंगे, फर्स्ट इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, इसमें 3 लोग स्पेस में जाएंगे लो अर्थ ऑर्बिट में फॉर 7 डेज। उसके बाद नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो कि ज्वाइंट मिशन है ऑफ इसरो एंड नासा टू मैप इंटायर ग्लोब इन 12 डेज थ्रू अ लो अर्थ ऑब्जर्वेटरी, लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी होगी इसरो एंड नासा की। उसके बाद ल्यूपेक्स ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो कि इसरो इंडिया एंड जाक्सा जापान दोनों का मिशन होगा टू मून, लैंडर और रोवर मून पे, ल्यूपेक्स, तो इसका भी ध्यान रखना है। उसके बाद जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है टू एक्सप्लोर जुपिटर्स आईसी मून्स, जुपिटर के आईसी मून्स है, 3 मून्स हैं, इनको भी हम क्वेश्चंस में देखेंगे, जिसमें से एक है गैनीमीड, गैनीमीड जो कि सोलर सिस्टम का, हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट मून है, तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद काला अजर डिसीज जो कि एक प्रोटोजोन डिजीज है, लेस्मेनिया, प्रोटोजोन लेस्मेनिया से होती है सैंड फ्लाई, तो ये न्यूज में था बिकॉज इंडिया इज सेट टू एलिमिनेट दिस डिजीज बाय एंड ऑफ दिस ईयर, इंडिया ने इस डिजीज को एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद कॉन्डर चिप जो कि IBM की फर्स्ट एवर 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्वांटम चिप है, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद कृत्रिम प्रो जो कि इंडिया का ओन AI मॉडल है, इसको ओला के CEO ने बनाया है, ओला के CEO भाविश अग्रवाल ने बनाया है। उसके बाद जापान का JT60SA जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सुपर कंडक्टिंग टोकामक फ्यूजन रिएक्टर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सुपर कंडक्टिंग टोकामक फ्यूजन, सुपरलेटिव्स में से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे कि लार्जेस्ट बिगेस्ट स्मॉलेस्ट, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद इंडिया का डीप ओशन मिशन है मत्स्य 6000, डीप ओशन मिशन, सिक्स मत्स्य 6000 नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये 6000 मीटर तक की डेप्थ को कवर करेगा, इंडियन क्रूड डीप सबमर्जेंस व्हीकल जो कि डीप सी को एक्सप्लोर करेगा, जो भी डीप सी है
डीप सी को एक्सप्लोर करेगा। उसके बाद नासा का साइक मिशन, जो कि एक मेटल रिच एस्ट्रॉयड है, कहाँ पे, मार्स और जुपिटर में जो एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है ना, मार्स और जुपिटर में एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है, तो उसमें एक मेटल रिच एस्ट्रॉयड का नाम है साइक, तो नासा का मिशन जाएगा वहां पे, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो रेलवे की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनी जया वर्मा सिन्हा, रेलवे की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन। उसके बाद जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने चेयर ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, रवि सिन्हा बने रॉ चीफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंडिया की सीक्रेट एजेंसी, उसके चीफ बने रवि सिन्हा। उसके बाद 78th प्रेसिडेंट बने ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, डेनिस फ्रांसिस। उसके बाद आर माधवन, ये रहा पिक्चर में, ये बने चेयर ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि है पुणे में, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, आर माधवन। उसके बाद आर राजकुमार राव, इलेक्शन कमीशन के नेशनल आइकन। उसके बाद कंचन देवी, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन। तो इन अपॉइंटमेंट्स को भी अच्छे से ध्यान में रखना है। लास्ट 6 मंथ में इंडिया ने काफी मिलिट्री एक्सरसाइज होस्ट की एंड काफी में पार्टिसिपेट भी किया, जैसे कि एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, जो कि इंडिया और इजिप्ट की आर्मीज के बीच हुई इजिप्ट में। तो एक्सरसाइजेज में तीन चीजें याद रखनी है, एक तो आर्मी एक्सरसाइज या नेवी की एक्सरसाइज है या एयरफोर्स की है, दूसरा कौन कौन सी कंट्रीज में हुई और तीसरा कहाँ पे हुई लोकेशन, तो इनमें से कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद जायद तलवार इंडियन और यूएई की नेवी में बीच हुई इन यूएई। उसके बाद मालाबार एक्सरसाइज, जो कि नेवी के बीच हुई ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान एंड यूएसए इन ऑस्ट्रेलिया, शॉर्ट में बोले तो दीज आर दी क्वाड नेशंस, ये क्वाड नेशंस भी बोलते हैं इनको। उसके बाद ऑस इंडेक्स, ये इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया की मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। उसके बाद नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया एंड मंगोलिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि उल्ला बंटार मंगोलिया में हुई। उसके बाद जिमेक्स, जापान और इंडिया की नेवल एक्सरसाइज इन बे ऑफ बंगाल, तो इन एक्सरसाइजेस को भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो गवर्नमेंट स्कीम्स किसी भी कंट्री का बैकबोन माना जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस साल काफी स्कीम्स लॉन्च की, जैसे कि उज्ज्वला 3.0, उज्ज्वला फेस 3, जो कि 2023 में रिसेंटली लॉन्च हुई बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सो इसमें 75 लाख न्यू कनेक्शंस मिलेंगे टू रूरल एंड डिप्राइव्ड हाउसहोल्ड्स, रूरल एंड डिप्राइव्ड हाउसहोल्ड्स को 75 लाख न्यू एलपीजी गैस कनेक्शंस मिलेंगे, इंक्लूडिंग फर्स्ट रिफिल एंड स्टोव, और इसके अलावा 200 रुपया सब्सिडी मिलेगी एज कंपेयर टू नॉर्मल हाउसहोल्ड। तो एक गवर्नमेंट स्कीम्स में एक एक चीज ध्यान रखनी है, मिनिस्ट्री कौन सी है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके प्रोविजंस क्या है। नेक्स्ट इज फेम टू स्कीम, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया। तो इस स्कीम के तहत जो, जैसे कि टू व्हीलर्स हैं फोर व्हीलर्स हैं, इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सब्सिडी मिलती है, तो ये 2019 में आया था फेज टू, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ये रिसेंटली न्यूज में था इसलिए मैंने आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट इज पीएम स्वनिधि, जो कि 2020 में लॉन्च हुई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जो कि वर्किंग कैपिटल देता है अप टू ₹10,000 विदाउट कोलेटरल टू स्ट्रीट वेंडर्स इन अर्बन एरियाज। तो फर्स्ट चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि अर्बन एरियाज में दिया जाता है ये वर्किंग कैपिटल। और रिसेंटली एसबीआई की एक रिपोर्ट आई थी, एसबीआई की, जिसमें ये पता चला कि 44% इसके बेनिफिशरीज वुमेन थे, 44% बेनिफिशरीज वुमेन थी, तो इसलिए मैंने आपको ये स्कीम पढ़ाई है। नेक्स्ट इज जल जीवन मिशन, 2019 में लॉन्च हुई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, टू प्रोवाइड 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे वाटर टू ऑल दी हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया, रूरल इंडिया में सारे हाउस होल्ड को 55 लीटर्स पानी देना
बाय द ईयर 2024। तो इसका टारगेट नजदीक आ रहा है, इसलिए मैंने आपको ये स्कीम कवर करवाई। उसके बाद नमस्ते स्कीम, जो कि 2022 में लॉन्च हुई थी। सो दिस वाज द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और इसका मोटिव था कि इरेडिकेट करना है अनसेफर सीवर एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग। नेक्स्ट इज पीएम श्री, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च की, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। और इसमें 14,500 से ज्यादा स्कूल्स अप्रूव हुए हैं फॉर इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट इज पीएम उषा, जो रिसेंटली लॉन्च हुई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, दैट इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग। स्ट्रेटेजिक फंडिंग मिलेगी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि जो बीटेक करवाते हैं, बीएड करवाते हैं, बीए वाले इंस्टीट्यूट होते हैं हायर एजुकेशन के, उनको स्ट्रेटेजिक फंडिंग देना इस स्कीम का पार्ट है। उसके बाद विवाद से विश्वास फेज टू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च की टू सेटल लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जैसे कि ONGC, ये सारी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है, स्टील इंडिया लिमिटेड, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हमने 18th G20 समिट को सक्सेसफुली होस्ट किया। इसको हम डिटेल में देखेंगे थ्रू ए क्वेश्चन, जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद 19th NAM समिट, नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये समिट 2024 में होगा इन कंपाला, जो कि है युगांडा में। और क्वाड समिट होने वाला है इंडिया में, इसको हमने डिस्कस भी किया था एक्सरसाइज में, क्वाड नेशंस जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए होते हैं, इन्हीं के बीच होती है मालाबार एक्सरसाइजेस, मालाबार नेवल एक्सरसाइज। उसके बाद 49th G7 समिट हुआ रिसेंटली हिरोशिमा जापान में, जिसमें इंडिया को एज अ गेस्ट कंट्री बुलाया गया। इंडिया इसका मेंबर नहीं है G7 कंट्रीज का, बट इंडिया एक गेस्ट कंट्री थी। उसके बाद 15th BRICS समिट, इस इंडिया इसका मेंबर है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये समिट हुआ जोहानिसबर्ग में। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। इन लास्ट वी हैव डेज एंड थीम्स। नेशनल स्पोर्ट्स डे हुआ 29th ऑफ अगस्त, जहां बर्थडे होता है मेजर ध्यानचंद का। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 9th ऑफ सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। हिंदी दिवस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हिंदी दिवस 14th ऑफ सितंबर, इसको 5 स्टार मान लीजिए हिंदी दिवस, ये तो हमेशा ही पूछा जाता है एग्जाम्स में। वर्ल्ड रिवर्स डे 24th ऑफ सितंबर, वर्ल्ड एनिमल डे 4th ऑफ अक्टूबर, इंडियन एयरफोर्स डे 8th ऑफ अक्टूबर, यूनाइटेड नेशंस डे 24th ऑफ अक्टूबर एंड नेशनल आयुर्वेदा डे 10th ऑफ नवम्बर। वैसे तो बहुत सारे डेज हैं, बट मैंने आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करवा दिए। और हिंदी दिवस तो हमें याद ही रखना है 5 स्टार, बाकी एक बार आप रिवीजन कर लेना, आपको धीरे धीरे इस याद हो जाएगा। और बाकी जैसे नवंबर से दिसंबर के डेज एंड थीम्स हैं, वो मैं पार्ट टू में कवर करवाऊंगा। यहाँ पे हमने अगस्त से लेके अक्टूबर तक के कवर किए हैं, पार्ट टू में हम बाकी नवंबर और दिसंबर के कवर करेंगे। नाउ लेट अस सॉल्व सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो रिसेंटली विच सिटी वॉज डेजिग्नेटेड एज सिटी ऑफ लिटरेचर इन यूनेस्कोस लिस्ट ऑफ क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो ये डेजिग्नेट हुई थी कोईकोड, यूनेस्को की लिस्ट ऑफ क्रिएटिव सिटीज में सिटी ऑफ लिटरेचर। और सिटी ऑफ म्यूजिक हुई थी ग्वालियर। तो दो सिटीज को ये मिला था रिकॉग्निशन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड सिटीज डे, जो कि 31st अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसी के साथ इंडिया में टोटल 8 सिटीज हो गई हैं इस नेटवर्क में, इंडिया में 8 सिटीज हो गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म पर्सनैलिटीज हैज बीन ऑनर्ड विथ 53rd दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2021। ये रिसेंटली मिला है वहीदा रहमान जी को। इसका स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट टाइम ये अवार्ड मिला था 1969 में देविका रानी को। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है, एंड दिस इज इंडियाज हाइएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन रिसेंटली हेल्ड 69th नेशनल फिल्म फेयर फिल्म अवार्ड 2023। ये ज्वाइंटली मिला है आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी एंड कृति सेनन फॉर हर मूवी मिमी।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ वन एंड टू। ये रही कृति सैनन, आलिया भट्ट, ये रही वहीदा रहमान जी, जिनको मिला था दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये रही पल्लवी जोशी, जिनको मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। पल्लवी जोशी को मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर हर मूवी दी कश्मीर फाइल्स। बाकी अवार्ड्स का भी ध्यान रखना है। बेस्ट फीचर फिल्म का मिला था रॉकेट्री को, आर माधवन को, जो इसके एक्टर और डायरेक्टर भी थे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अल्लू अर्जुन को फॉर मूवी पुष्पा, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मिला है पंकज त्रिपाठी को फॉर मूवी मिमी, जिसके लिए कृति सैनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। एट इंडियन क्लाइमेट एंटरप्रेन्योर्स विन प्रिंस विलियम्स अर्थ शॉट प्राइज 2023। ये इवेंट कहाँ हुआ था? तो ये इवेंट हुआ था सिंगापुर में, और इसको इको ऑस्कर्स भी कहा जाता है। इस अवार्ड को इको ऑस्कर्स भी कहा जाता है। इसमें फाइव कैटेगरीज होती हैं, द फाइव अर्थ शॉट, और इंडियंस को दो कैटेगरी में अवार्ड मिला था, बिल्ड अ फेस्ट फ्री वर्ल्ड एंड फिक्स अवर क्लाइमेट। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। दी 2023 बैलन डियोर रिकॉग्नाइजिंग द बेस्ट फुटबॉलर्स इन द वर्ल्ड वॉज रिसेंटली वॉन बाय, तो ये जीता है अर्जेंटीना के लियोनल मेसी ने, और लियोनल मेसी ने इसको रिकॉर्ड 8th टाइम जीता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंडर पेलोड ऑफ चंद्रयान 3। तो इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हमने अपना लैंडर विक्रम एंड रोवर प्रज्ञान को सक्सेसफुली लैंड करवाया मून पे। तो आजकल के एग्जाम ट्रेंड्स में ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं कि लैंडर पेलोड कौन सा था, रोवर में पेलोड्स कौन से थे, कौन से इक्विपमेंट्स थे। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये लैंडर का पेलोड नहीं था, रामभा, चेस्ट, इल्सा एंड LRA, ये पेलोड्स थे लैंडर विक्रम के। लैंडर विक्रम के चार पेलोड्स थे। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लैंडर के पेलोड्स कितने थे, 1 2 3 4। तो लैंडर के पेलोड्स थे चार, जिसका नाम था विक्रम, और रोवर के पेलोड्स थे दो, रोवर के जो किसका नाम था प्रज्ञान, इसके दो पेलोड्स थे लिप्स एंड APXS। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम चंद्रयान की बात करें तो फर्स्ट 2008 में लॉन्च हुआ था अबोर्ड और PSLV, और इसको नाम दिया गया जवाहर पॉइंट, जहां पे ये क्रैश करवाया गया था। मून इंपैक्ट प्रोब जो वहां पे गया था उसको नियर शेकल्टन क्रेटर क्रैश करवाया गया, उसको नाम दिया गया जवाहर पॉइंट। और चंद्रयान 2 कहाँ क्रैश हुआ था, जिस हमारा कांटेक्ट 2.1 किलोमीटर पे टूट गया था विक्रम लैंडर का, उसको नाम दिया गया तिरंगा पॉइंट। और रिसेंटली जहां पे ये लैंड किया है 2023 में चंद्रयान 3, उसको नाम दिया है शिव शक्ति पॉइंट। सक्सेसफुली हमने लैंड किया। तो इन पॉइंट्स का भी ध्यान रखना है। इसमें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी बन सकता है। एक साइड पे हमें दे देंगे चंद्रयान 1 2 3, और इनके कौन कौन से पॉइंट हैं, जवाहर पॉइंट, तिरंगा पॉइंट एंड शिव शक्ति पॉइंट। तो इसी के साथ इंडिया बना 4th कंट्री टू सॉफ्ट लैंड ऑन मून एंड फर्स्ट टू डू सो ऑन साउथ पोल पे। साउथ पोल पे हम फर्स्ट कंट्री बने जिसने सॉफ्ट लैंड किया मून पे। तो इस चीज का ध्यान रखना। ओवरऑल हम 4th थे, और इसमें डिटेक्ट किया सल्फर को चंद्रयान 3 ने फर्स्ट टाइम एट साउथ पोल। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से एलिमेंट को डिटेक्ट किया चंद्रयान 3 ने। सो दैट वाज सल्फर। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। हाउ मैनी लैग्रांज पॉइंट्स आर देयर इन द सन अर्थ सिस्टम। तो हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्लाइड में देखा था कि आदित्य L1 6 जनवरी को सन के ऑर्बिट में पहुंचेगा, तो ये इसी लैग्रांजे पॉइंट पे जाके स्टेबल रहेगा। तो दैट इज आदित्य L1 यहाँ पे। तो इसी का नाम भी इसीलिए पड़ा है कि ये L1 पॉइंट पे जाके स्टेबल रहेगा सन के अराउंड। तो ये टोटल 5 पॉइंट्स होते हैं, L1, L2, L4, L3 एंड L5। तो 5 पॉइंट्स हैं इसके, ये ध्यान रखना है कि टोटल 5 पॉइंट्स हैं, और आदित्य L1 हमारे नाम से ही सजेस्ट होता है कि L1 पॉइंट पे जाके स्टेबल रहेगा। अगर हम आदित्य की बात करें, सो दिस इज इंडिया फर्स्ट स्पेस वे मिशन टू स्टडी द सन, और एक अबॉर्ड गया था PSLV, PSLV इसको लेके गया था, और इसके 7 पेलोड्स थे। तो इन पेलोड्स को अभी थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा। सूट, वेल्स, सोलेक्स, हेलियोस, एस्पेक्स एंड पापा। यूरोपियन स्पेस एजेंसीज जूस मिशन इज टू एक्सप्लोर विच ऑफ द फॉलोइंग आइसी मून्स ऑफ जुपिटर।
तो जूस मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, टू एक्सप्लोर द आइसी मून्स ऑफ जुपिटर, और ये तीनों ही मून को एक्सप्लोर करेगा, गैनीमिड, कैलिस्टो एंड यूरोपा। ये तीनों ही जुपिटर के मून है, और गैनीमिड हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून है, तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। और एक और मिशन है यूरोपा क्लिपर मिशन, जो कि नासा का मिशन है टू मून यूरोपा, तो इस मिशन का भी ध्यान रखना है, बट ये अभी लॉन्च नहीं हुआ, तो ये लेटर दिस ईयर विल बी लॉन्च्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट 19th G20 समिट ऑफ 2024? तो हमने देखा था इंटरनेशनल समिट्स की स्लाइड में कि जो 18th G20 समिट हुआ था वो इंडिया में हुआ था, इंडिया ने सक्सेसफुली इसको होस्ट किया। अब नेक्स्ट ईयर ये समिट होस्ट करेगा ब्राजील, तो 2008 में ये स्टार्ट हुआ था, ईयरली समिट, और इसके मेंबर्स हैं 21 19 कंट्रीज, जिसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है, ये गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में है, जर्मनी, यूएसए, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इंडिया, तो ये आप देख सकते हैं 19 कंट्रीज को, और इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन और इंडिया में अफ्रीकन यूनियन को इंडक्ट किया गया। जब इंडिया का भी समिट हुआ था 18th समिट, तो इसी समिट के दौरान अफ्रीकन यूनियन को एज अ परमानेंट मेंबर इंडक्ट किया गया था, जिसके साथ साथ इसके मेंबर हो चुके हैं 20, तो अभी सॉरी 21 मेंबर्स हो चुके हैं, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। और इंडिया ने 9 गेस्ट कंट्रीज को भी बुलाया था, और इंडिया के शेरपा का नाम था अमिताभ कांत, और इंडिया की थीम थी वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। हाउ मेनी कंट्रीज वर इंडक्टेड इन टू ब्रिक्स ड्यूरिंग 15th ब्रिक्स समिट, जो कि हुआ था जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में, तो ये रिसेंटली हुआ था 2-3 महीने पहले, और इसके दौरान पहले 5 मेंबर होते थे ब्रिक्स में, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, और इस बार 6 कंट्रीज को और इंडक्ट किया गया इसमें, जो कि है इजिप्ट, ईरान, यूएई, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया एंड अर्जेंटीना, तो 6 न्यू कंट्रीज को ब्रिक्स में इंडक्ट किया गया। अगर हम ब्रिक्स की बात करें, तो ये टर्म कॉइन की थी जिम ओनील, जो कि गोल्डमैन सैक के इकोनॉमिस्ट थे, टू डिस्क्राइब फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, और फर्स्ट समिट हुआ था 2009 में, 2010 में साउथ अफ्रीका को इंडक्ट किया गया, और 2014 में स्थापना हुई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक की, न्यू डेवलपमेंट बैंक थ्रू शंघाई, सॉरी, जो शंघाई में है, और रिसेंटली इसका मेंबर बना है इजिप्ट, और इसके 8 मेंबर्स हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि शंघाई में है, शंघाई चाइना में है, इसके 8 मेंबर्स हैं, और ब्रिक्स के टोटल मेंबर्स अब हो गए हैं 5 प्लस 6 11, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट ईयर ये समिट होगा रशिया में, नेक्स्ट ईयर ये समिट होगा रशिया में। विच कंट्री वॉज रिसेंटली इंक्लूडेड एज 9th एससीओ मेंबर ड्यूरिंग 23rd एससीओ समिट ऑफ 2023? तो रिसेंटली ईरान को एज अ फुल टाइम मेंबर इंडक्ट किया गया इनटू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1996 में थ्रू 5 कंट्रीज, और 2001 में उज्बेकिस्तान को इंडक्ट किया गया, 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान को, इससे पहले 2005 में इंडिया एज अ ऑब्जर्वर कंट्री था, इंडिया ऑब्जर्वर था 2005 में, और 2017 में फुल मेंबर बना, एंड रिसेंटली ईरान को इंडक्ट किया गया फुली, और इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? बीजिंग में, चाइना में, और इसकी एक बॉडी होती है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो कि है ताशकंद में इन उज्बेकिस्तान, ताशकंद इन उज्बेकिस्तान, और 2024 की प्रेसिडेंसी किसके पास रहेगी? कजाकिस्तान के पास। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये समिट वर्चुअली किसने होस्ट किया था? इंडिया ने वर्चुअली इसको होस्ट किया था, तो इंडिया ने G20 भी होस्ट किया और एससीओ समिट भी होस्ट किया, दोनों का ध्यान रखना है। विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट नेटो समिट ऑफ 2024? तो 2024 का नेटो समिट कौन होस्ट करेगा? ये होस्ट करेगा वॉशिंगटन डीसी, यूएसए, अमेरिका इसको होस्ट करेगा वॉशिंगटन डीसी में, और 2023 का समिट हुआ था विल्नियस, लिथुआनिया में, विल्नियस लिथुआनिया, जो कि यहाँ है, ये रही लिथुआनिया, यूरोपियन कंट्री है, और ज्यादातर इसकी कंट्रीज यूरोप में है, बट अमेरिका में इसकी 2 कंट्रीज है नेटो की, दैट इज कैनेडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और जापान इसका पार्ट नहीं है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जापान भी इसका हिस्सा है, जापान इसका पार्ट नहीं है, और 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर है ब्रसल्स में,
ब्रसल्स में इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम यहाँ। और इनके बीच एक्सरसाइज होती है बाल्टॉप्स नेवल एक्सरसाइज जो कि ब्लैक सी में होती है, स्टेडफास्ट नॉन न्यूक्लियर एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स जो कि हुई थी नॉर्वे में। तो इन एक्सरसाइजेस को भी ध्यान में रखना है। विच कंट्री वॉज रिसेंटली इंडक्टेड एज 31st मेंबर ऑफ नेटो। तो हमने नेटो की कंट्रीज नहीं देखी पिछली स्लाइड में कितनी है, तो नेटो की 31 कंट्रीज है और रिसेंटली फिनलैंड को इंडक्ट किया गया, फिनलैंड को एज अ मेंबर इंडक्ट किया गया। नवंबर 26 इज ऑब्जर्व्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे सिंस 2015 टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को? इसका करेक्ट आंसर है 1949, 1949 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया। और रिसेंटली इन कॉन्स्टिट्यूशन डे के ओकेजन पे हमारे राष्ट्रपति ने 7 फीट टॉल स्टैचू ऑफ अंबेडकर सुप्रीम कोर्ट कंप्लेक्स में अनवील किया। अंबेडकर जिनको जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म पर्सनैलिटीज वॉन इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड्स। तो इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हमारी फिल्म्स को वर्ल्ड में रिकॉग्निशन मिल रहा है, और ये अवार्ड जीता था एकता कपूर ने, एकता कपूर ने ये अवार्ड जीता फॉर बेस्ट डायरेक्शन, और वीर दास ने जीता फॉर बेस्ट कॉमेडी, फॉर कॉमेडी। ये रहे वीर दास, ये रही एकता कपूर, और ये इवेंट हुआ था न्यूयॉर्क में। रिसेंटली अप्रूव्ड बाय यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वर्ल्ड फर्स्ट चिकनगुनिया वैक्सीन इज नेम्ड। तो इसका नाम रखा गया एक्स चिक, वर्ल्ड की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन का नाम है एक्स चिक। सो चिकनगुनिया एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज है जो कि फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज की गई थी 1952 में ड्यूरिंग एन आउटब्रेक इन सर्दर्न टेंजानिया। इसके सिम्टम्स फीवर करते हैं और सुवेर जॉइंट पेन, और इसको कई बार मिस डायग्नोस भी किया जाता है, मिस डायग्नोस विद डेंगू और जीका वायरस। तो इसकी अर्ली प्रिवेंशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय हाई कोर्ट हरियाणा लॉ फॉर डोमिसाइल रिजर्वेशन इन प्राइवेट जॉब्स प्रोवाइडेड फॉर। तो ये प्रोवाइड करते थे 75% रिजर्वेशन, 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल हरियाणवीज इन प्राइवेट जॉब्स, बट हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, एंड रेस्ट यू कैन रीड। सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 वॉज रिसेंटली होस्टेड वर्चुअली बाय। तो ये भी इंडिया ने होस्ट किया था, तो हम देख सकते हैं इंडिया ने इस साल बहुत समिट्स होस्ट किए, G20 हो गया, SCO समिट हो गया, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हो गया। तो इस चीज का भी ध्यान रखा है, इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। और ये समिट फर्स्ट समिट हुआ था जनवरी 2023 में, सिग्नल इंडिया कमिटमेंट टू फॉस्टरिंग ग्लोबल सॉलिडैरिटी अमंग नेशंस एंड कंसोलिडेटिंग इट्स लीडरशिप इन द ग्लोबल साउथ। सो ग्लोबल साउथ का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये रहा जैसे ये रहा हमारी अर्थ, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दिस इज सदर्न हेमिस्फेयर। ये माना जाता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज होगी, ज्यादातर कंट्रीज ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो इनको ग्लोबल नॉर्थ बोला जाता है, ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं। बट ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज होगी, इंडिया एंड चाइना वैसे तो नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, बट ये ग्लोबल साउथ का ही पार्ट माना जाता है बिकॉज वी आर स्टिल डेवलपिंग कंट्रीज। सो ग्लोबल साउथ का जो कंसेप्ट है, दिस इज नॉट सॉलिडली डिफाइंड बाय लोकेशन, इट ब्रॉडली रिप्रेजेंट्स नेशंस फेसिंग डेवलपमेंटल चैलेंजेस। 90% से ज्यादा जो कंट्रीज हैं जो कि डेवलपमेंट चैलेंजेस फेस कर रही है वो सदर्न हेमिस्फेयर में है, तो इसलिए हम भी ग्लोबल साउथ का ही पार्ट है। द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ यूरेनियम वॉज रिसेंटली ऑफिशियली डिलीवर्ड टू बांग्लादेश टू फ्यूल द नेशंस ओनली न्यूक्लियर पावर प्लांट। बांग्लादेश का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसको शिपमेंट मिली थी यूरेनियम की फ्रॉम रशिया, और ये इंडिया रशिया का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, इंडिया रशिया का ज्वाइंट एनर्जी प्रोजेक्ट है इन थर्ड कंट्रीज लाइक बांग्लादेश। ह्यूमन राइट्स वॉच रिसेंटली एक्यूज्ड इसराइल ऑफ यूजिंग विच कलर्ड फॉस्फोरस मिनेशंस इन गाजा। अब इसराइल और हमास के बीच वॉर चल रही है गाजा स्ट्रिप में, ये तो हमें पता ही होगा, इसराइल और हमास के बीच
वॉर चल रही है गाजा स्ट्रिप में, और इसराइल ने यूज किया इसमें वाइट फॉस्फोरस, ये रही वाइट फॉस्फोरस, जो कि बहुत ही लीथल वेपन है, वन ऑफ द मोस्ट लीथल वेपन्स। ज्वाइंट एक्सरसाइज ऑफ इंडिया यूएस स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र पहाड़ रिसेंटली बिगिन इन, तो ये रिसेंटली स्टार्ट हुई थी मेघालय में। और अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास एंड कोप इंडिया, ये भी दोनों कंट्रीज के बीच होती है, इंडिया और यूएस की एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास एंड कोप इंडिया। विच कंट्री रिसेंटली इनोग्रेटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइड सोलर पावर प्लांट, तो ये रिसेंटली इनोग्रेट किया है यूएई ने, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट इनोग्रेट किया है दुबई में, यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इसको बोला जाता है अल डफरा सोलर फोटोवोल्टाइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट, अल डफरा सोलर पावर प्रोजेक्ट। इंडिया लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व टू बी सेटअप इन दमोह इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो इंडिया की लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व सेटअप हो रही है दमोह में, जो कि है मध्य प्रदेश में, जो कि है मध्य प्रदेश में, एंड दिस विल बी सेवंथ टाइगर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ओवरऑल ये 55th होगा, ओवरऑल 55th टाइगर रिजर्व होगा और मध्य प्रदेश का 7th। अगर हम आईयूसीएन स्टेटस की बात करें टाइगर का, तो आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड, और सबसे ज्यादा टाइगर्स भी मध्य प्रदेश में ही है, 785 टाइगर्स। ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, जो कि न्यू दिल्ली में रिसेंटली हुआ 10 to 17 दिसंबर तक, इसका मैस्कॉट है उज्ज्वला। इसको हमने स्पोर्ट इवेंट में डिस्कस किया था, उज्ज्वला एक स्पैरो, और स्पैरो। बाकी के मैस्कॉट भी ध्यान रखना है, मोगा किसका मैस्कॉट था, 37th नेशनल गेम्स जो कि गोवा में हुई थी, इसको हम पार्ट टू में कवर करेंगे, नेशनल गेम्स ऑफ गोवा 37th नेशनल गेम पार्ट टू में हम कवर करेंगे। ब्लेज एंड टोंक ये ऑफिशियल मैस्कॉट था आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच फाइनल हुआ था रिसेंटली, और ऑस्ट्रेलिया इसे जीत गया 6th टाइटल। अगर हम टॉप की बात करें तो हरियाणा ने इसमें टॉप किया था विद 105 मेडल्स। विद वीजा फ्री एक्सेस टू 57 कंट्रीज इंडिया रैंक इन दी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, तो इंडिया की रैंक है 80th, इंडिया की रैंक थी 80th। रिसेंटली टू साइट्स शांति निकेतन एंड होयसाला टेम्पल्स, शांति निकेतन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, एंड होयसाला टेम्पल्स कर्नाटका, वर एडिड टू यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स टेकिंग टोटल साइट्स इन इंडिया टू, तो इससे पहले इंडिया में 40 साइट्स थी और रिसेंटली दो साइट्स ऐड हुई हैं, जिसके साथ इंडिया में हो गई है 42 साइट्स, 34 कल्चरल, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स्ड, जो कि है कंचनजंगा, कंचन जंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नोबेल प्राइजेस एंड द विनर्स इज इनकरेक्ट, नोबेल प्राइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट पे, इस पे हमने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है जिसपे हमने इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस की थी, तो आप लोग उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो लिटरेचर में मिला था जॉन फोसे को, ये बिल्कुल करेक्ट है। नोबेल पीस प्राइज मिला था नरगिस मोहम्मदी को, जो कि अभी ईरान की जेल में है। और फिजिक्स में ये अवार्ड नहीं मिला था, ये अवार्ड मिला था मेडिसिन में, ड्रू विजमैन एंड कैटलिन करिको को मिला था मेडिसिन में अवार्ड, और केमिस्ट्री में मिला था इन तीनों को। तो ये रहे ड्रू विजमैन एंड कैटलिन करिको, इनको मेडिसिन में मिला था फॉर mRNA वैक्सीन। इस पे हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई थी मेडिकेयर, मेडिकेयर विद अ डी साइलेंट, मेडी मीन्स मेडिसिन, सीए मीन्स कैटलिन, DRE मीन्स ड्रू विजमैन, मेडिकेयर विद अ डी साइलेंट। और जॉन फोसे को मिला था इन लिटरेचर। तो बाकी प्राइजेस का भी ध्यान रखना है, फिजिक्स में मिला था पियरे अगोस्टिनी को, फ्रैंक क्रॉस एंड एनी हल हिलियर को ज्वाइंटली मिला था फॉर एटोसेकंड पल्सेस ऑफ लाइट। केमिस्ट्री इकोनॉमिक साइंस में मिला था क्लोडिया गोल्डिन को, केमिस्ट्री में मिला था बॉन्जी जी वेवेंडी, लुइस ब्रूस एंड लेक्सी एकिमोफ को फॉर क्वांटम डॉट्स। इस पे हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई थी MLA एकिमोफ, MLA एकिमोफ, एम मीन्स बोंगी, एल मीन्स लुइस एंड ए मीन्स एलेक्सी। और पीस प्राइज हमने डिस्कस किया था, ये मिला नरगिस मोहम्मदी को, जो इस टाइम ईरान की जेल में है, और लिटरेचर में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो नोबेल प्राइज को अच्छे से ध्यान में रखना है।
Which country was recently devastated by deadly floods believed to be caused by ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज? तो ये फ्लड्स कहाँ आए थे? ये आए थे लीबिया में. और अर्थक्वेक कहाँ आए थे? मोरक्को में. दोनों ही अफ्रीका की कंट्रीज हैं, दोनों ही अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये ध्यान रखना. हु इज द विनर ऑफ 132nd एडिशन ऑफ दुरंत कप 2023? दिस इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट ऑफ एशिया, ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट ऑफ एशिया. ये जीता था मोहन बगान एसजी ने. और रनर अप कौन था? ईस्ट बंगाल. तो इस चीज का भी ध्यान रखना है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज चेस वर्ल्ड कप ऑफ 2023 वॉज हेल्ड? ये हुआ था अजरबैजान में. हमने स्पोर्ट्स में डिस्कस किया था फाइड वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप, तो वो जूनियर थी, रौनक सिद्वानी, इटली में हुआ था. ये थी चेस वर्ल्ड कप ऑफ 2023, ये हुआ था अजरबैजान में. और मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे से हैं, इन्होंने डिफीट किया इंडिया के आर प्रगनंदा को. आर प्रगनंदा को सिल्वर मिला इसमें. रिसेंटली जीएसटी काउंसिल डिसाइडेड टू लिवाई अ यूनिफॉर्म डैश टैक्स ऑन फुल फेस वैल्यू फॉर ऑनलाइन गेमिंग. तो ये रिसेंटली लिवाई किया गया 28% टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग, जैसे कि ई स्पोर्ट्स, फैंटेसी स्पोर्ट्स, स्किल बेस्ड एंड चांस बेस्ड. फाइव आइज अलायंस इज एन इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस बिटवीन. सो ये इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है बिटवीन यूएसए, कैनेडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. तो ये पांच कंट्रीज की इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है, तो इनका ध्यान रखना है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट हैव अ 2+2 डायलॉग मैकेनिज्म विद इंडिया? तो किस कंट्री का 2+2 डायलॉग मैकेनिज्म नहीं है इंडिया के साथ? तो ये नहीं है फ्रांस का, ऑस्ट्रेलिया का भी है, यूएसए का है, जापान का है और है रशिया का, फ्रांस का नहीं है. जहां पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स एंड डिफेंस मिनिस्टर्स कोऑपरेट करते हैं स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स को, टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट ईच अदर्स स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स. और रिसेंटली 5th 2+2 डायलॉग हुआ इंडिया और यूएसए का न्यू दिल्ली में, तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है. रिसेंटली लोकसभा एथिक्स कमेटी रिकमेंडेड सस्पेंशन ऑफ टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा फ्रॉम पार्लियामेंट हैज. तो लोकसभा एथिक्स कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? तो इसमें होते हैं टोटल 15 मेंबर्स, जो कि लोकसभा स्पीकर अपॉइंट करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास ओपन्ड इट्स फर्स्ट ऑफशोर कैंपस इन. आईआईटी मद्रास ने पहला ऑफशोर कैंपस ओपन किया इन जंजीबार तंजानिया, जंजीबार तंजानिया जो कि अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है. 16th सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-24 जो कि एक T20 क्रिकेट कॉम्पिटिशन है, 38 टीम्स के बीच प्ले किया जाता है. और हमने इसको डिस्कस भी किया था स्लाइड्स में स्पोर्ट्स इवेंट की. फर्स्ट टाइटल जीता है पंजाब ने बड़ौदा को हरा के, बड़ौदा वॉज रनर अप. विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स एलोकेट्स 33% सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर वुमेन? तो वुमेन एम्पावरमेंट में ये रिसेंटली पास हुआ ये स्कीम विद 106 अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि 33% सीट्स, 1/3 सीट्स लोकसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ एवरी स्टेट एंड दिल्ली की असेंबली फॉर 15 ईयर्स. तो 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है. रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज इनोग्रेटेड द टॉलेस्ट 418 फीट हाई नेशनल फ्लैग एट अटारी वाघा बॉर्डर. तो ये रहा अटारी वाघा बॉर्डर, ये रहे नितिन गडकरी और पंजाब के सीएम भगवंत मान. और इसी के ऊपर एक सर्विलियंस सिस्टम भी लगाया गया है, यहाँ यहाँ पे एक सर्विलियंस सिस्टम भी लगाया गया टू कीप ट्रैक ऑफ द एक्टिविटीज नियर द बॉर्डर. पीएम स्वनिधि स्कीम रिसेंटली इन न्यूज फॉर एम्पावरिंग फीमेल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स इन अर्बन एरियाज इज अंडर विच मिनिस्ट्री? तो रिसेंटली एसबीआई की एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली, जिसमें ये पता चला था कि 44% बेनिफिशरीज इस स्कीम के वुमेन थी, 44% बेनिफिशरीज. तो ये स्कीम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ही न्यूज में रहती है.
इसकी मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और इसमें 10,000 रुपये तक का वर्किंग कैपिटल मिलता है, फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विदाउट एनी कोलेटरल। ग्रैंड मास्टर रौनक सधवानी रिसेंटली वॉन द फाइड वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप, ये हम ऑलरेडी 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, ये हुआ था इटली में, और इन्होंने हराया था आर्सिनी नेस्टोरोव ऑफ रशिया को। इंडिया रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिसेंटली पब्लिश बाय, फर्स्ट तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि इसको पब्लिश कौन करता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेट हंगर हिल्फे, और इंडिया की रैंक थी 111th, और इंडिया का स्कोर था 28.7, और कैटेगरी थी सीरियस। और इसके 4 इंडिकेटर्स होते हैं, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडर नरिशमेंट, तो 4 इंडिकेटर्स का भी हमें ध्यान रखना है। विच गेम लास्ट प्लेड इन द ईयर 1900 इज गोइंग टू रिटर्न एट 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, तो 2028 में ओलंपिक्स होंगे लॉस एंजलिस जो कि यूएसए में है, और किस गेम का रिटर्न होगा, क्रिकेट का। अभी अभी रिसेंटली मुंबई में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ये डिसाइड किया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मुंबई में डिसाइड किया। इसी के साथ साथ 4 और गेम्स अप्रूव हुई, लैक्रोस, फ्लैग फुटबॉल, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल एंड स्क्वैश। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर, तो ये रिसेंटली न्यूज में थी बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपनी सुनवाई पूरी कर ली है, अब इसके इस पे रिजल्ट आने की वेट है। तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी इन द ईयर 2018। जो भी फंडिंग होती है ना पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग होती है, तो उसके ऊपर ये स्कीम बनी थी, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। सो दिस इज अ बेरर इंस्ट्रूमेंट, और इसमें डोनर का नेम नहीं होगा, और इसको एसबीआई के थ्रू खरीद सकते हैं फ्रॉम ₹1,000 टू ₹1 करोड़, 1,000 रुपये से लेके 1 करोड़ तक का बॉन्ड खरीद सकते हैं, और इसकी वैलिडिटी रहेगी 15 डेज, 15 दिन के लिए वैलिड होगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं जिसका वोट 1% से कम ना रहा हो लास्ट इलेक्शन में, जो भी लास्ट इलेक्शन उस पार्टी ने लड़ा है उसका वोट 1% से कम ना रहा हो। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिजेस, तो फर्स्ट कंट्री कौन थी, ये थी नीदरलैंड्स, 2001 में इन्होंने लीगलाइज किया था सेम सेक्स मैरिज को। ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर केस चल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि इट इज अप टू लेजिस्लेचर, कि जो लोकसभा है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वही इस पर डिसाइड कर सकती है कि सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन देना है इंडिया में या नहीं। द इंडियन नेवी हैज रिसीव्ड इट्स लेटेस्ट स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर विथ सेपरेट अकोमोडेशन फॉर वुमेन सेलर्स, तो इसका नाम है आई एन एस इम्फाल। विच कंट्री रिसेंटली टुक ओवर एज चेयर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, तो ये चेयर बनी है श्रीलंका, इंडिया इसका को चेयर बना है, और मालदीव इसका मेंबर है, और मोरिशियस में इसका हेडक्वार्टर्स है, ये रहा मोरिशियस में इसका हेडक्वार्टर्स। सो इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 23 स्टेट्स जो कि इंडियन ओशन से लगती हैं, और फ्रांस भी इसका मेंबर है बिकॉज फ्रांस की कुछ टेरिटरीज जैसे कि मायोटे एंड रीयूनियन ये इंडियन ओशन में है, यहाँ पे है फ्रांस की टेरिटरीज। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया रिसेंटली इनोग्रेटेड द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ विच स्टेट, तो ये मिला है नागालैंड को फर्स्ट मेडिकल कॉलेज। विच रिवर रिसेंटली डेवेस्टेटेड सिक्किम बाय फ्लैश फ्लड्स, तो सिक्किम में फ्लैश फ्लड्स आए थे बाय रिवर तीस्ता, जिसमें चांगथांग में तीस्ता डैम भी तबाह हो गया था, तीस्ता डैम एट चांगथांग डिस्ट्रॉय हो गया था। द ज्वाइंट बायलिटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज हरिमू शक्ति 2023 इज हेल्ड बिटवीन, ये हुई थी इंडिया और मलेशिया में इन उमरई मेघालय। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज अ 1506 किलोमीटर लॉन्ग रेल कॉरिडोर रन थ्रू द स्टेट ऑफ, तो ये रन करता है थ्रू महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एंड यूपी। इसको मैप के थ्रू देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा GNPT, पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और यूपी का कुछ पार्ट।
सिलकेरा टनल रिसेंटली सीन इन न्यूज फॉर 40 वर्कर्स। हमें पता ही है उत्तराखंड की जो सिलकेरा टनल है उसमें 40 वर्कर्स ट्रैप हो गए थे और उनको सक्सेसफुली इवैक्यूएट भी कर चुके हैं हम। ये थी उत्तराखंड में। फिर ये थी सिलकेरा बरकोट टनल जो कि 4.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल थी। इसमें 40 वर्कर्स ट्रैप हो गए थे और ऑपरेशन जिंदगी लॉन्च हुआ था टू इवैक्यूएट देम। ऑपरेशन जिंदगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेलिब्रेटेड दिवाली विद सिक्योरिटी फोर्सेस इन लेपचा पास। प्राइम मिनिस्टर ने दिवाली सेलिब्रेट की थी लेपचा पास में ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। रिसेंटली विच सिटी हैज वॉन क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड अंडर 7th स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022। अभी 8th नहीं आए हैं, 8th स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स का सर्वे चल रहा है तो हमें इसको भी याद रखना है 7th वाले को। और इसका करेक्ट आंसर है इंदौर। और ये कौन करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको प्रेजेंट किया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इन अवार्ड्स को दिया था। और फील्ड असेसमेंट फॉर 8th एडिशन इज बीइंग कैरिड आउट। तो ये बाकी अवार्ड्स भी आपको पढ़ने हैं। ग्रेटर देन 1 लाख पॉपुलेशन में क्लीनेस्ट सिटी थी इंदौर। लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन में थी पंचगनी। और क्लीनेस्ट स्टेट मिली थी मध्य प्रदेश को। और बेस्ट गंगा डाउन का अवार्ड मिला था हरिद्वार को। 95th अकेडमी अवार्ड 2023 ऑल्सो नोन एज ऑस्कर्स वर हेल्ड इन। तो ये हमने देखा था ये हुए थे लॉस एंजलिस में। और मैंने आपको बोला था इसमें 3 इंडियंस को नॉमिनेशन हुई थी। नाटू नाटू फॉर मूवी RRR। नाटू नाटू सॉन्ग जो कि RRR मूवी का था इसको मिला था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का। द एलिफेंट विस्परर्स जो कि एक डॉक्यूमेंट्री थी फॉर बेस्ट, सॉरी, जिसने जीता अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट। और ऑल दैट ब्रीथ ये नॉमिनेट हुई थी। तो दो अवार्ड हमने जीते थे और तीसरी हमारी नॉमिनेट हुई थी फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर। तो ये तीनों का हमें ध्यान रखना है। द 2023 UN पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग इज बींग हेल्ड इन। तो ये हुई थी घाना में, एक्रा घाना जो कि अफ्रीकन कंट्री है। रिसेंटली एट UNFCCC COP28 कॉन्फ्रेंस इन दुबई प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफर टू होस्ट अ UNFCCC कॉन्फ्रेंस इन इंडिया इन द ईयर। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑफर किया टू होस्ट अ कॉन्फ्रेंस इन 2028 COP33। और ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया, ग्रीन क्रेडिट्स इनिशिएटिव। और ये भी डिसाइड हुआ कि हमें ट्रांजिशन करना है फ्रॉम अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स इन एनर्जी सिस्टम टू अचीव नेट जीरो बाय 2050। रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग नेवी डे इज ऑब्जर्व ऑन, ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 4th of December। और इसी ओकेजन पे INS संधनायक को भी लॉन्च किया गया। INS संधनायक जो कि है वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्वे वेसल्स बींग बिल्ट फॉर द इंडियन नेवी। लक्काडोंग टर्मरिक हैज बीन अवॉर्डेड द GI टैग फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। तो ये मिला है मेघालय से GI टैग लक्काडोंग टर्मरिक को। और 3 चीजों को और मिला है, मेघालय गारो डाकमंडा जो कि एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, लरनाई पॉटरी एंड गारो चुबिची जो कि एक एल्कोहलिक बेवरेज है। तो इन चीजों को भी ध्यान रखना है। विच पर्सनैलिटी वॉज नेम्ड टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2023। ये मिला है अमेरिकन सिंगर टेलर स्विफ्ट को, यही टेलर स्विफ्ट। और बेस्ट एथलीट मिला है फॉर ईयर 2023 लियोनल मेसी जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर है। चाइना लॉन्चेस मिसर सेट 2 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ज्वाइंटली डेवलप विथ, ये ज्वाइंटली डेवलप की थी इजिप्ट के साथ, मिसर सेट 2 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। विनबैक्स 23 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन, ये हो रही है इंडिया और वियतनाम के बीच। साइक्लोन मिशोंग रिसेंटली मेड लैंडफॉल इन वेस्टर्न बे ऑफ बंगाल इज नेम्ड आफ्टर अ सजेशन प्रोवाइडेड बाय, तो ये सजेशन दी थी म्यांमार ने। तो जो भी इंडियन ओशन वाली कंट्रीज हैं वो इनको नेम करती हैं। इंडियन ओशन में अगर हम बात करें तो साइक्लोन को डिफरेंट नेम दिया जाता है। इंडियन ओशन में बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, साउथ चाइना सी में टाइफून्स, USA में हरिकेन्स एंड ऑस्ट्रेलिया में विली विली। तो इंडियन ओशन वाली जो कंट्रीज हैं वो इसको नेम करती है और अल्फाबेट वाइज इसको जो भी साइक्लोन आता है उसमें इंक्लूड किया जाता है। और इस बार म्यांमार ने ये नेम दिया था साइक्लोन मिशोंग। काला अजर और ब्लैक फीवर इज अ डेडली पैरासिटिक डिजीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन पैरासाइट, ये हमने पढ़ा था, ये होता है लिस्मानिया।
जो कि है सैंड फ्लाई, और प्लास्मोडियम होता है मलेरिया बाय मॉस्किटोस, ट्राइपैनोसोमस होता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बाय सीसी फ्लाई, और जियार्डा लैम्ब्रिया ये होता है डायरिया। और ये न्यूज में था बिकॉज इंडिया इज सेट टू एलिमिनेट दिस डिजीज दिस ईयर, तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। सो दैट इज इट फॉर दिस क्लास, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट योर फीडबैक। इसकी पीपीटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज फॉर एग्जाम्स।